नमस्कार। 23 की महाभारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। चुनावी साल में कांग्रेस में जहां सीएम फेस को लेकर आए दिन नए नए बयान सामने आते हैं, वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नए बयान से एक बार फिर से पार्टी में घमासान मच गया है। कांग्रेस में टिकट को लेकर गोविंद सिंह ने नया क्राइट एरिया तय कर दिया है। नए पैमाने के अनुसार अब सिर्फ पावरफुल दावेदारों को ही टिकट दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष की माने तो बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए। ऐसे में कांग्रेस भी अब पावरफुल दावेदारों को ही टिकट देगी। सच्चाई है, हम क्या दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में गुंडागर्दी, लाठी, गोली, बंदूकें चलाकर अवैध आक्रमण किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडई को जवाब दे सके। क्या पावरफुल और कमजोर आदमी अगर दौड़ करना है, अगर दौड़ में लपू झंडा हो तो 50 मीटर चलने वाला उसको सिपाही बना देंगे, आरक्षक बना देंगे। जो योग होगा, जो अनुभवी होगा, गुणवान होगा, जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता हो। हम क्या ग्राम पंचायत के से का चुनाव थोड़ी है। भारतीय जनता का मुकाबला करने, गुंडई का मुकाबला करने के लिए हमें मजबूती के साथ, ताकत के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला कमजोर आदमी नहीं कर सकता, मजबूत आदमी कर सकता। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने निशाना साधा आरएसएस पर। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस की तुलना रावण से की और संघ को षड्यंत्रकारी बताया। कहा, रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी, तो हम पहले ही कहते रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष हैं और इनके तमाम बेटे हैं। रावण के तो 100 थे, इनके तो 150-200 से हैं आरएसएस के। और आरएसएस का नाम मैं शुरू से ही कहता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, जो राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरएसएस और बीजेपी को वाले हाथों लिया, आरएसएस की तुलना रावण से की है, संघ को षड्यंत्रकारी संगठन बताया। गोविंद सिंह का कहना था कि रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। वहीं कांग्रेस के टिकट के क्राइट एरिया पर भी कहा है कि पावरफुल लोगों को ही, पावरफुल प्रत्याशियों को ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। और साथ ही साथ बीजेपी को घेर भी दिया। कहा कि बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रत्याशी चाहिए कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस पावरफुल, शक्तिशाली, मजबूत प्रत्याशी को टिकट देगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उसे बीजेपी की गुंडागर्दी से सामना करना है। ऐसा कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह। आरएसएस को भी, संघ को भी आड़े हाथों लिया, आरएसएस की तुलना रावण से कर दी और कहा कि संघ षड्यंत्रकारी संगठन है। रावण के 100 पुत्र थे और आरएसएस के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बयानों की तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। बयानबाजी काफी तल्ख हो रही है, चाहे वो बीजेपी हो या उसका संगठन। नेता प्रतिपक्ष ने क्राइटेरिया भी तय कर दिया है टिकट के दावेदारों के लिए कि पावरफुल प्रत्याशी को ही कांग्रेस इस बार मैदान में उतारेगी, जो शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसका मुकाबला बीजेपी की गुंडागर्दी से होगा। ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। संघ के बारे में भी बयान दिया, कहा कि संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है।
आरएसएस की तुलना रावण से कर दी, कहा कि रावण के 100 पुत्र थे, संघ के 150 पुत्र हैं। संघ धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करता है। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय राजधानी भोपाल से। वासु, टिकट का क्राइटेरिया तय कर दिया है। गोविंद सिंह ने कह रहे हैं कि पावरफुल प्रत्याशी को ही मैदान में कांग्रेस उतारेगी, संघ को भी आड़े हाथों लिया। तौर पर समय देखिए, ये एक वैचारिक द्वंद्व तो है ही, संघ की विचारधारा और जो कांग्रेस समर्थित विचारधारा रही है, जो कई सालों से चलता हुआ आ रहा है और अब ये चुनावी साल भी है, तो ये जाहिर है कि ये लड़ाई जो है अब और भी ज़्यादा गहराती हुई और भी ज़्यादा तल्ख और तीखी होती हुई दिखाई दे रही है। भाजपा के साथ संघ भी अक्सर कांग्रेस के निशाने पर रहा है, तो बहुत हैरत करने वाली बात नहीं है। लेकिन षड्यंत्रकारी संगठन जो है वो संघ को गोविंद सिंह ने करार दिया है और जिसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने हमला बोल दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि षड्यंत्र किसने किया अंग्रेजों के साथ मिलकर क्रांतिकारियों के खिलाफ, ये पूरा देश जानता है और यही वजह है कि संघ का परिवार जो है वो विस्तार कर रहा है और कांग्रेस जो है वो सिकुड़ती जा रही है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद ये जो पूरी सियासत है इस मामले में, ये और भी ज्यादा बढ़ती हुई गर्माती हुई दिखाई देगी। दूसरी ओर कांग्रेस के टिकट को लेकर भी उनका जो बयान है वो मुखरता से सामने आया है। 2018 में जो कांग्रेस की चुनाव में जीत हुई थी, या यूं कहें कि बीजेपी से आगे जब कांग्रेस रही थी, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि कांग्रेस ने बहुत संभल कर और बहुत एक रणनीति के तहत जो टिकट वितरण है वो किया था, जिसमें वो बीजेपी से आगे निकल गए थे और यही वजह है कि ज्यादातर प्रत्याशी उनके वहां पर जीत कर सामने आए थे। और इसे कांग्रेस एक बार फिर दोहराने की बात कर रही है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती है कि बीजेपी धन बल का और जो धन बल है, मनी पावर है, उसका इस्तेमाल करके चुनाव में लड़ती है। शासन प्रशासन का इस्तेमाल जो है वो चुनावों में किया जाता है और अगर उससे निपटना है तो कांग्रेस को ऐसे नेताओं को टिकट देना होगा जो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों के सामने एक मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर सके और इन सभी चीजों से बेहतर रूप से डील कर सके। और कांग्रेस इसको लेकर लगातार रणनीति बनाने का काम भी कर रही है। कमलनाथ जी ने एजेंसीज को हायर किया हुआ है, उनके कई चरणों के जो सर्वे का काम है वो भी अब पूरा हो गया है। तो ये चुनावी समर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल समेत अब पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। चुनावी बिगुल हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बच चुका है। कल प्रियंका गांधी का भी दौरा है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, दौरे उनके लगातार चल रहे हैं। कल लाडली बहना को लेकर बड़ा एक सम्मेलन हुआ, 1000 से भविष्य में राशि को 3000 करने की बात भी सीएम शिवराज कह चुके हैं। और कल 1500 रुपए देने वाली जो नारी सम्मान योजना है कांग्रेस की, उसको लेकर प्रियंका गांधी बात करेंगी। तो देखिए, अब ये तमाम चीजें जो घोषणाएं हैं, वादे हैं, दावे हैं और इसके साथ जो सियासी बयानबाजी और भी तल्ख होगी और मध्यप्रदेश का अब जो चुनावी रण है, चुनावी समर है, वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताती है। ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और गोविंद सिंह के इस बयान पर बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है वो भी आपको सुना देते हैं। जी, माना कि आप कमलनाथ कांग्रेस से हताश हैं, निराश हैं, राजनीतिक कुंठित हैं, लेकिन आपकी भाषा बताती है कि आप इस कुंठा से उबरने का साहस भी नहीं जुटा पाते हैं। जिस प्रकार का आपका चाल बोलचाल और व्यवहार है वो दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए, आप संघ पर अनाप शनाप बयानबाजी लगातार करते रहते हैं। अरे भैया, षड्यंत्रकारी कौन परिवार रहा है इस देश में आजादी के पहले से लेकर अब तक? क्रांतिकारियों के साथ में किसने षड्यंत्र रचे बुने अंग्रेजों से मिलकर, ये देश भली भांति जानता है। रही बात संघ की, तो संघ को भी पहचानता है, इसीलिए कांग्रेस सिकुड़ रही है, संघ का विस्तार हो रहा है,